वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन हिंदी काव्य पर बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए प्रथम वर्ष 2018 का पेपर सॉल्व करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो 2018 के प्रश्न पत्र का ये हल है यानी सॉल्व पेपर आपके सामने होगा, जिसमें हम बात करेंगे 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। तो 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस हमने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा रखा है। अगर उसको नहीं देखना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन हिंदी काव्य। अगर आपके सिलेबस में मध्यकालीन हिंदी काव्य शामिल है तो इनमें से लगभग आपके जो है 20 से 30%, मतलब 30 उस प्रश्न 23 से 30%, 23 से ऊपर ही होंगे। तो 23 से 30% के बीच में आपके परीक्षा में आ जाएंगे, चाहे जिस भी आप यूनिवर्सिटी से हो चाहे जहां से हो। ठीक, तो मध्यकालीन हिंदी काव्य अगर आपके सिलेबस में है या फिर प्राचीन या मध्यकालीन आपके सिलेबस में है तो आपका यहाँ से 23 से 30% आपका तय है, एकदम से आएगा। इसके बाद में और 2018, 19, 20 इन सभी का पेपर अगर आप देख लेंगे या फिर हमारे मॉडल पेपर देख लेंगे तो आपको एकदम से आसानी हो जाएगी, और चुटकियों में आप सारे प्रश्नों को हल कर देंगे और बहुत ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर में। आप समझ लीजिए अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ दिन रात मेहनत करके जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दोस्तों सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं करने के लिए, और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होता है समान होता है। पहला प्रश्न पूछा गया कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो केशव दास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। इन सभी प्रश्नों को हमने रटा दिया है आप लोगों को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मदनाशतक के रचयिता कौन है, मदनाशतक के रचयिता है रहीम दास। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर दास संतों से किसकी आंधी आने की बात करते हैं, तो किसकी आंधी, संती संतों आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आने की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला हमने उस पर थोड़ा सा चटक कर मतलब इसको चढ़ा दिया है इस पर पेन से, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, यही करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न देखिए, काव्य रूप की दृष्टि से रामचरित मानस क्या है, तो काव्य रूप की दृष्टि से रामचरित मानस एक प्रबंध काव्य क्या है, एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत में कौन सा रस है, भ्रमर गीत में कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार है, कौन सा श्रृंगार होता है भ्रमर गीत में, वियोग श्रृंगार। लगभग 8 से ज्यादा भ्रमर गीत लिखे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत बार हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। अगला प्रश्न देखिए, भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास, कई बार हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया इसको, भक्तमाल किसकी रचना, नाभादास। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया, शुक्ला जी ने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, भूषण के आश्रयदाता कौन थे, तो भूषण के आश्रयदाता कौन थे, शिवाजी। तमाम सारी रचनाएं इनकी देखते हैं आप, शिवा बावनी, श्री छत्रसाल दशक, तो ये सारी रचनाएं उसी का द्योतक है। ठीक है, कि ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये शिवाजी के आश्रयदाता थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम में, 19, 20, 18 और 21 में तो जरूर ही पूछा जाएगा, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है इसको एकदम से। डिक्टेटर किसने कहा, वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा, बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, रमैनी का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कबीर दास का ये, रमैनी साखी सबद, तो रमैनी का अर्थ क्या होता है, रामायण। सबद का क्या अर्थ होता है, शब्द, और साखी का मतलब होता है साक्षी। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की पत्नी का क्या नाम था, कबीर की पत्नी का क्या नाम था, लोई नाम था, क्या नाम था, लोई नाम था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, लोई, और नीरो और नीमा जो है कौन थे, नीरो और नीमा जुलाहे इनके माता पिता थे, और इनके पत्नी मतलब पुत्र और पुत्री कौन थे, कमाल और कमाली। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के गुरु का क्या नाम था, कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है, पहला प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ जो है उसको मृगावती को प्राप्त है। ठीक है, तो मृगावती पहला क्या है, प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक ने घनानंद को साक्षात रस की मूर्ति कहा, किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने घनानंद को क्या कहा है, साक्षात रस की मूर्ति कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कि जायसी ने नागमती वियोग वर्णन का प्रारंभ किस महीने से किया, तो किसने किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेठ महीने से किया है, जेठ महीने से शुरुआत किया है किसका, नागमती का वियोग वर्णन बारहमासा का। अगला प्रश्न देखिए, कि यह अभिमत मतलब यह अभिमत इनमें से किसका है, ठीक, कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ,
महिमा में या केवल या लेखक केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो कौन है भैया? तो वो है तुलसीदास। ठीक, कौन है? तुलसीदास। तो कबीर दास के प्रतिद्वंदी केवल कौन है? तुलसीदास। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष अगर बीत जाए बाद में, तो कबीर जैसा व्यक्ति तो लेकर के कोई लेखक नहीं पैदा हुआ है। और जो है हुआ, महिमा में यह लेखक केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है तुलसीदास। मतलब तुलसीदास जी को छोड़ करके बाकी कोई नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत की कथा के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन से पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा किसने की? तो पद्मावती की कथा के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन से पद्मावती की प्रशंसा किसने की थी? तो किसने की थी भैया? राघव चेतन ने की थी। किसने की? राघव चेतन ने की। अगला प्रश्न देखिए। हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान पंक्तियां रामचरितमानस के विषय में से किसने कही है? तो हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान, ये जो है रहीम ने कहा। ठीक, पंक्तियां रामचरितमानस के विषय में किसने कही? तो रामचरितमानस के बारे में कहा है किसने? रहीम दास जी ने, कि हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ठीक, यवन को कुरान और हिंदुन को वेद सम, ये क्या है? रामचरितमानस को बताया कि रामचरितमानस जो है हिंदुओं के लिए वेद के समान है, और यमन के लिए क्या है, मतलब मुसलमानों के लिए कुरान के समान है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि मतलब रामचरितमानस में केवल जो है हिंदू ही पढ़ सकते हैं, मुसलमान के लिए भी उसमें ज्ञानवर्धक चीजें, उत्तरकांड में पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बरसई मघा झकोरी झकोरी और मोई दुई नयन जुए अस उरी, भैया कौन कहेंगे इसको? ठीक है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की सारी रचना है, ठेठ अवधि। यह काव्य पंक्ति नागमती वियोग वर्णन खंड से में वर्णित है, किस महीने से संबंधित है? तो देखिए भैया, बरसई मघा नक्षत्र होता है पानी बरसने का। तो बरसई मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नयन चुए असुवरी, मतलब हमारे दोनों नयन से इस प्रकार से जल गिर रहा, जैसे जान लो मघा नक्षत्र में पानी बरस रहा हो, नागमती कहती है। ठीक, तो भादो महीने में जानते हैं, भादो महीने में खूब पानी बरसता है। ठीक, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए। तो भादो महीने से, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचना में क्या है? तो उनकी रचना में क्या है? क्लिष्टता है। क्या है? क्लिष्टता है। कठिन काव्य का प्रेत मतलब जहां पे रस की आवश्यकता नहीं थी, या फिर छंद की आवश्यकता, या फिर अलंकारों की आवश्यकता नहीं थी, वहां पे इन्होंने अलंकारों को ठूस ठूस कर भरा है, इसी को कहते हैं क्लिष्टता। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी ने रामलला नचहु कृति की रचना किस छंद में की है? तो रामलला नचहु का छंद क्या है? सोहर छंद में करा। अगला प्रश्न देखिए। ये सारे प्रश्नों को हम करवा चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक भी प्रश्न बचे नहीं जो हमने ना करवाया हो। आपको सिलेबस उठा के देख लीजिएगा आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला प्रश्न देखिए। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है, यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा है। ठीक, सूरदास जी के संबंध में। अगला प्रश्न देखिए। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के आदि कवि है, तो कौन है भैया? मुल्ला दाऊद है, ये आदि कवि मतलब पुराने कवि है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। अगला प्रश्न देखिए मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में है? तो पहले जो है ये कबीर दास है, ये पहले समाज सुधारक है, बाद में भक्त है, फिर उसके बाद में कवि है। अगला प्रश्न देखिए। रामचरितमानस की भाषा कैसी अवधि, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो रहीम दास अकबर का दरबारी कवि थे। अगर इसी में तुलसीदास दिया होता तो तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से ही एक रहीम दास है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश यानी खंड है? तो 39 प्रकाश या 39 खंड है रामचंद्रिका में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। किसने लिखी रामचंद्रिका? केशवदास। अगला प्रश्न देखिए। गऊ घाट नामक स्थान में इनमें से किस कवि का संबंध है? तो गऊ घाट सूरदास, ठीक है, गऊ घाट से संबंधित है सूरदास। अगला प्रश्न देखिए मित्रों। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किसने किसको कहा? तो किसको किसने कहा था? तो केशवदास को कहा था। किसने? केशवदास को कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने मित्रों। अगला प्रश्न है कि पद्मावत और रामचरितमानस में प्रयुक्त अवधि में क्या अंतर है? तो पद्मावत में मित्रों ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है, मतलब एकदम देहाती, वज्र देहाती, और रामचरितमानस में परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग हुआ या संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती है या फिर होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, बिहारी के संबंध में यह कथन किसने कहा?
तो आचार्य शुक्ला जी ने कथन कहा, ठीक है, बिहारी के संबंध में, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि यह मत किसका, यह अभिमत किसका कथन है, या फिर यह मत किसका है, जिसने कथन कौन सा है, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में, तो केशव को रामचंद्रिका में सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में, यह कथन किसने कहा, तो आचार्य शुक्ला जी ने कहा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, नगरी पचाड़ी सभा यानी काशी द्वारा जो प्रकाशित होती थी कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन थे, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न देखिए, अंग तरंग अंग अंग तरंग उठे दुत की परिहय मनोरूप अभय धर चय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है, घनानंद है, ठीक है, घनानंद है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है महाकवि जायसी ने पद्मावत की रचना कब शुरू की, तो हिजरी संवत 947 में शुरू की, और जब ध्यान रखेंगे 947 हिजरी संवत में क्या की है, शुरू की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिजरी संवत है ये मुस्लिमों का संवत माना जाता है, ठीक है, मुस्लिम लोग इसको मानते हैं, हिजरी संवत को विक्रम संवत हिंदू लोग मानते हैं, और उसके बाद में शक संवत भी मानते हैं हिंदू लोग, उसके बाद में जो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है वो लोग मानते हैं, ठीक है, ईसाई वगैरह। अगला देखते हैं, लोकनायक वही होता है जो समन्वय रख सके, बुद्ध देव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वय की चेष्टा है, और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे, यह कथन किसने कहा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के संबंध में कहा। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास का साहित्य कभी जन्मांध व्यक्ति का लिखा साहित्य नहीं हो सकता, यह है, यह कथन किसका है, यह मत कहा है, ब्रज डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने, सूरदास जी ये जिस प्रकार से लिखते थे उस प्रकार से ये नहीं लगता कि जो है ये कवि जो है ये जन्मांध थे, मतलब ये जन्म से ही अंधे थे, जैसे इन्होंने लिखा कि कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ उर बिच बाहत पनारे, इस प्रकार से नयनों से गोपियों के आंसू बह रहे हैं कि ऊपर के जो वस्त्र पहने हुए हैं उपवस्त्र वो भीग रहे हैं सारे, और उसके बीच से पनारे बह रहे हैं उसके शरीर के, ठीक, शरीर से आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके पाठ्यक्रम में संकलित रामचरित मानस से संबंधित प्रसंग उसके किस कांड से लिया गया, तो बाल कांड से लिया गया, बाल कांड से एक प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न देखिए, रमायणी की रचना कबीर ने किस छंद में की है, तो रमायणी की रचना किस में की है, दोहा और चौपाई में की है, रमायणी शब्द का क्या अर्थ होता है, रामायण होता है, 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस साहित्यकार या इस साहित्य इतिहासकार ने उत्तर मध्य काल के लिए श्रृंगार काल नाम दिया था, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखिए, मतलब उत्तर मध्य काल को इन्होंने क्या कहा था, श्रृंगार काल कहा था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति को महान आंदोलन के रूप में चलाने का श्रेय किसको है, रामानंद को। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति भक्ति के संबंध में जो है गाना प्रचलित होता है कि द्रविड़ मां जन्मी कर्नाटक में सयानी, गुजरात में बालापन वृंदावन जवानी, ठीक है, तो उत्तर भारत में भक्ति को महान मतलब भक्ति को बढ़ावा बढ़ाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन मतलब यह कथन इनमें से किस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक ने कहा है, तो आचार्य शुक्ला जी ने कहा, और आचार्य शुक्ला जी की बात को कोई काटने वाला वैसे नहीं रहता था, बस एक ही थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कभी कभी काटती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही है, किस विद्वान ने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा, तो तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा, बीसेंट स्मिथ, किसने कहा, बीसेंट स्मिथ, कि तुलसीदास जी जो थे वो जो है कहाँ के मुगल काल के सबसे कौन थे, तो सबसे महान व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है उक्ति किसने कही है, तो उक्ति किसने कही ये कथन, ये कहा है विट्ठल नाथ ने। विट्ठल नाथ ने क्या कहा है, विट्ठल नाथ ने कहा कि जो है पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, ये कहा किसने, विट्ठल नाथ ने कहा, सॉरी विट्ठल नाथ ने कहा है, और किसकी मृत्यु पर, तो सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कहा मानसर चाह सुपाई पारस रूप यहाँ लगियाई, ये पंक्ति किसकी है, तो जायसी जी की ये पंक्ति है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, गारसा दा तासी, गारसा दा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का क्या किया था, पहला प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में से हैं, अकबर के नवरत्नों में से कौन एक थे, रहीम दास। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या थी, तो बिरह थी, ठीक है, बहुत बिरह, घनानंद के जो है एकदम से बिरह वर्णन में बहुत सारी चीजें इन्होंने बिरह में की है, सुजान नामक वैश्य से प्रेम करते थे, वही मतलब उन्हीं की वजह से इतने जो है वियोग में रहते थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो भैया जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप बिल्कुल भी योग में रहेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त कवि नहीं है तो कौन नहीं है? बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं है, तो फिर कई कौन से कवि है? तो रीत ये सिद्ध कवि है, रीत सिद्ध कवि है, ना रीत बद्ध कवि है, ना रीत मुक्त कवि है, ये रीत सिद्ध कवि है। रीतियों को जानते थे लेकिन रीतियों में बंध कर रचनाएं नहीं करते थे, बिहारी लाल। और बिहारी लाल कहा था, नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नयनन ही स्वबात। बिहारी बड़े रसीले आदमी थे, ठीक। इनकी पंक्तियां कभी कभी तो उसका अर्थ बताने लायक ही नहीं होता जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास जी के मित्र कौन थे? तो रहीमदास थे, ठीक है। तुलसीदास के मित्र कौन थे? रहीमदास थे। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रथम रचना है बैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा? तो किसने कहा? अमृतलाल नागर ने कहा तुलसीदास को मानस का राजहंस या मानस का हंस, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक कराए? भैया वात्सल्य का, वात्सल्य का, ठीक है। वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य जो होता है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका मिलते हैं तो वहां पे संयोग श्रृंगार की पुष्टि होती है, और जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं तो क्या? वियोग श्रृंगार की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न देखिए, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो जायसी जी, आखिरी कलाम के रचनाकार। साखी शब्द का अर्थ क्या है? साक्षी। हमने अभी भी आपको बता ही दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, सारे रट लीजिए सभी को एकदम से। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी को किस विशेषता के कारण गागर में सागर भरने का वाला कहा गया? तो भाषा की समाज शक्ति, भाषा की समाज शक्ति। इन्होंने से एक अभी हमने बताया था, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सौबात। ये इनकी क्या है? भाषा की समाज शक्ति है। इतना तारतम्यता इनकी भाषा में है, मतलब और एक ही दोहे में जो है बहुत सारी बातें कहते हैं। इसीलिए कभी लोग इनके संबंध में कहते हैं कि बिहारी के संबंध में कि जो है सतसैया के दोहरे, यानी बिहारी सतसई का जो दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन मा छोटे लगे घाव करें गंभीर। मतलब देखने में तो दोहा छोटे लगता है दो लाइन का, लेकिन अगर व्याख्या करने बैठेंगे 5-5 पन्ने लग जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? तो संबत 1631 में हुई थी। और जब संबत से यानी 1631 से आप 57 लेस कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, तो 11 में से 7 गए, कितना बचेगा? 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, यहाँ उतार लिया। 12 12 से 5 गए, 7 4 12, यहाँ पे बचा 1574। अगला प्रश्न देखिए, शुरुआत की थी, ठीक है, रचना कब हुई? तो मतलब कब हुई? 1574 में जो है रचना हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पर कार देह को धारे फिरो परजन्य यथारत होए दर्शो, पंक्ति के लेखक कौन है? भैया घनानंद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पंक्ति है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अति सूधो, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि अति सूधो स्नेह को मारग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, पंक्ति के रचनाकार कौन है? या फिर पंक्ति में जो छंद है वो कौन सा है? तो पंक्ति में कौन सा है ये? डी मतलब सवैया छंद है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो बिहारी राधा बल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे, राधा बल्लभ। अगला प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। अगला देखते हैं, सुजान शतक किसकी रचना? केशव, सॉरी घनानंद की है। घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। अगला प्रश्न देखिए भैया, जो है एक थे आलम, आलम ने तो अपना नामो जो है चेंज करवा लिया था। आलम एक हिंदू कवि थे और एक मुस्लिम जो है कन्या से प्रेम करते थे, और जब बाद में हुआ जब प्रेम जो है इनका देखते थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो रहा है, तो इन्होंने अपना धर्मांतरण करवा लिया था। आलम एक ब्राह्मण थे, ठीक। तो सुजान शतक किसकी रचना है? घनानंद की। अगला देखते हैं, कविता करके तुलसी नल से तुलसी लसी पा तुलसी की कला, मतलब तुलसी के कारण से कविता जो होता है वो लसी हुई है, मतलब वो ठीक ठाक लगती है लेकिन तुलसी के कारण से फेमस नहीं है, कविता जो है तुलसी कारण से फेमस है। पंक्ति तुलसी के विषय में किसने लिखी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखी, ठीक। बैठी खिन्ना एक दिवस तू गेह में थी कि लिया के आंसू दीर्घ युगल से थे धारा को भिगोते, ठीक, हरिओध जी की रचना। पवन दूतिका। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत में सुआ या हीरा मन तोता किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है भैया? तो गुरु का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी ससई नामक रचना की रचना किस कोटि में आती है? तो मुक्तक काव्य में आती है, ये मुक्तक काव्य बिहारी ससई, एकमात्र रचना बिहारी की। अगला प्रश्न देखिए, कान्हावत किसकी रचना है? जायसी जी की रचना है कान्हावत, पद्मावत। ये सब छंदों का अजायब घर किसे कहा था? रामचंद्रिका को क्या कहा था? छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब